नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल शेयर बाद में। आज हम लोग बात करने वाले हैं विकास लाइफ केयर की। जी हाँ, बम्पर विस्फोटक खबर निकल कर आ रही है। यहाँ पर कंपनी ने टेक्सटाइल क्षेत्र की कंपनी का अधिग्रहण किया है 12.5 करोड़ में। सबसे अच्छी चीज़ यह है कि कंपनी मल्टी फील्ड्स में अपने काम का विस्तार कर रही है लगातार। और दूसरी चीज़ है, 7 करोड़ का वॉल्यूम जनरेट किया है, कोई बड़े प्लेयर की एंट्री पक्का देखने को मिली है। और दूसरी चीज़ क्या है कि भैया अच्छे खासे लेवल पे आज ने पहुँच कर वहाँ से वापसी थोड़ा सा की है, लेकिन 11.5% के आसपास, लगभग 11.25% के आसपास आज ये भागा आज ये आज। तो क्या कुछ न्यूज़ है, क्या कुछ इसकी संभावनाएं बनती हैं, क्या चार्ट पे इससे ये दिख रहा है कैसा, सब पे चर्चा करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, नहीं तो अगर केवल ये न्यूज़ देख के अगर आप लेने चले गए तो सच में बहुत बुरा फंस जाएंगे आप, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप चाहें तो इसको ज्वाइन कर लीजिए। इसी नाम से एक्जैक्टली सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। यहाँ मैं कोई टिप वगैरह नहीं देता हूँ, ना ही मैं टिप पर विश्वास रखता हूँ, और आपको भी यही सलाह देता हूँ कि बच के रहिए। यहाँ पर केवल इंपॉर्टेंट न्यूज़ और अपने वीडियोस के लिंक वगैरह शेयर करता रहता हूँ, ताकि सब कुछ आपको एक ही जगह मिल जाए, बार बार इधर उधर भटकना ना पड़े। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, 14 अगस्त का अपडेट है, बीएससी एनएससी दोनों को इन्फॉर्म किया है। और यहाँ पर आप देखिए, क्लियर कट मैं थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ, ये देखिए यहाँ पर विकास लाइफ केयर एक्वायर्ड सब्सटेंशियल स्टेक इन एमएसआर अपारेल प्राइवेट लिमिटेड, अ कंपनी एंगेज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ऑल टाइप ऑफ टेक्सटाइल गारमेंट्स एंड क्लोदिंग एसेसरीज। तो यहाँ पर इन्होंने इसका जो अच्छा खासा स्टेक है उसको एक्वायर किया है। यहाँ पर हम थोड़ा सा पहले कंपनी के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए क्लियर कट अमाउंट लिखा हुआ है, 12.5 करोड़ में इन्होंने इसको एक्वायर किया है। और यहाँ पर एक ये कुल मिला के अब इनकी सब्सिडरी बन गई है, देख रहे हैं ना, 1,000,010 इट बिकम्स अ सब्सिडरी कंपनी, ठीक है। तो कुल मिला के जो कंपनी है अपने काम को लगातार, मतलब मल्टी फील्ड्स में अपना इसका जो है विस्तार करते हुए देखी जा रही, तो ये एक बड़ी पॉजिटिव चीज़ रही है फिलहाल। इससे पहले जो इससे संबंधित बाकी जो न्यूज़ें आई हैं लगातार, ठीक है, वो भी मैं आपके लिए अपडेट लगातार लेके आता रहा हूँ। बाकी ये विकास लाइफ केयर के बारे में लिखा है, आप चाहें तो पॉज करके पढ़ सकते हैं, नहीं तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा तो मैं पीडीएफ आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड करा दूंगा। और दूसरी चीज़ यहाँ पर देखिए, ये कंपनी का नाम है पूरा, उनका जो रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह, इसको एक्वायर किया है। 98% लगभग स्टेक जो है वो यहाँ पर देखिए इक्विटी शेयर्स हैं वो लिया है, और लगभग 12.5 करोड़ का यहाँ पर लगभग क्या एग्जैक्टली 12.5 करोड़ में इन्होंने लिया है। और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ मैन्युफैक्चर ऑफ ऑल टाइप ऑफ टेक्सटाइल गारमेंट्स क्लोदिंग एसेसरीज, द कंपनी वॉज इनकॉर्पोरेटेड ऑन अप्रैल 29, 2005, ठीक है। तो मतलब अच्छी खासी पुरानी कंपनी भी है, और यहाँ पर इसका एक्वायर करना एक अच्छी चीज़ है। और यहाँ पर कंपनी मल्टी डायमेंशंस में बढ़ रही है आगे। थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं फिर आगे चलते हैं। मार्केट कैप 496 करोड़, 500 करोड़ से अभी भी कम है। एक जंप और अगर ऐसे ही आ गया आज ऐसा, तो फिर 500 करोड़ से ऊपर निकल जाएगा। बात करें आरओसी माइनस आरओई माइनस प्रमोटर होल्डिंग बहुत कम है, डेट है 30.4 करोड़, जो कि डेट टू इक्विटी बनाता है 0.09, ठीक है। और 2.66 रुपये का लो, 5.54 रुपये का है, और अभी चल रहा है 3.46 रुपये पे, लगभग 11.25% के आसपास भागा है, 11.25%। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं किसी भी ग्रुप में नहीं है ये, तो ये अभी फिलहाल बहुत अच्छी चीज़ है, ना एएसएम, ना जीएसएम, ना ईएसएम किसी में नहीं है। और वॉल्यूम में देखिए क्या सडन जंप आया अभी तक, देखिए यस्टरडे यानी कि इससे पहले जो ट्रेडिंग सेशन था 93 लाख, उससे पहले एक वीक का एवरेज 2 करोड़, 1 मंथ का एवरेज 1 करोड़ है, और आज देखिए 7 करोड़। तो ये क्लियर कट दर्शाता है कि यहाँ पर किसी बड़े प्लेयर की एंट्री जरूर हुई है। देखिए अभी जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब तक वो साइट अपडेट नहीं हुई थी कि किसने आज खरीदी बेची करी है, बल्क डील वगैरह हुई है कि नहीं हुई है। जैसे ही अपडेट होगी मैं टेलीग्राम में भी आपको दे दूंगा, नहीं तो उस पर एक सेपरेट वीडियो लेके आऊँगा, आपके बताऊँगा कि किसने कितना खरीदा है, किसने कितना बेचा है। बात करते हैं चार्ट की, तो चार्ट पे ये लेवल्स आप देख पा रहे हैं क्लियर कट, ठीक है, 3.70 रुपये आप मोटा मोटा पकड़िए। अगर इससे ऊपर निकल के सस्टेन करता है तो यहाँ पर फिर फर्दर आपको ऊपर और भागते हुए देखने को मिल सकता है। मैंने जो इससे पहले वीडियो बनाया था, इसके रिजल्ट्स का एनालिसिस किया, तो वहाँ पर मैंने बताया था जहाँ पर है अभी, आप चाहे तो इसको उठा सकते हैं, लेकिन उतनी ही क्वांटिटी में जितना आप खोने डूबने के लिए तैयार रहें। देखिए पेनी स्टॉक्स किसी ना किसी रीज़न से ही होते हैं, ठीक है। आप ये सारी चीज़ें देख रहे हैं, कंपनी विस्तार कर रही है अपने मल्टी फील्ड्स में, कई सारे काम कर रही है, अच्छी बात है। तो आप थोड़ा पैसा लगा दीजिए अपने कैपिटल का, 1% 2% जितना आप यू कैन अफोर्ड टू लूज, तो ये सारी चीज़ें आपको समझनी होंगी फिलहाल, ठीक है। तो चलिए आशा करता हूँ सारी चीज़ें आपको समझ में आती हैं, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन पूछिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। और हाँ गाइस, मैं कोई से भी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ, वीडियोस प्योरली आपके एजुकेशन पर्पस के लिए होते हैं। आप कोई भी नेशन करेंगे अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछिएगा, कतई नहीं करेंगे। चलिए धन्यवाद।